ओके सो मैं फुली रेडी हो गई एंड इट्स डे 3 इन डीसी. सो आई थॉट कि अब मैं एयरबीएनबी का ऐसा क्विक टूर कर लेती हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आई लव द लोकेशन जहाँ पे हम रुके हुए हैं. इट्स लाइक ऐसा एकदम हिल्स के बीच में है और वी आर एक्चुअली ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो बहुत ही प्यारा सा लोकेलिटी है. सो यहाँ पे है, वेट एक्चुअली हमारा एयरबीएनबी वो ऊपर वाला है, बट लाइक ये लोकेलिटी और स्ट्रीट है, हमारी कार वहाँ पे खड़ी हुई है नीचे. तो जब फर्स्ट डे आए थे तो ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक गए थे, बट यस काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से ऊपर. मुझे ये जिसका ओवरऑल पूरा ब्रिक्ड आर्किटेक्चर है ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. मैंने सोचा था यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराऊँगी लेकिन टाइम नहीं मिला. तो यहाँ से एंट्री है और वही हमारा ऊपर वाला फ्लोर है. तो ये तो मैनेजर का ऑफिस है, यहाँ पे बस ऊपर जाके ये लेफ्ट वाला हम लोगों का एयरबीएनबी है. सो घुसते से मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगा पूरा एरिया. वेट मैं पहले हमारे बेडरूम से ही स्टार्ट करती. एक्चुअली यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं पूरे एयरबीएनबी में और साथ में किचन एंड लिविंग एरिया. तो ये वाला हम लोग 3 गर्ल्स हैं तो ये वाला पूरा रूम हमारा है. सो रूम थोड़ा सा गंदा हो रहा है अभी, बट ये पूरा रूम है. इस वाले बेड पे मैं सोई थी कल वहाँ पे इजी और सेरा, और साथ में कंप्यूटर स्क्रीन टीवी वगैरह है, ऑल्दो ये सब हमने ऑब्वियसली यूज़ नहीं किया. यहाँ पे वार्डरोब स्पेस है, इसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो बस यही एक डाउनसाइड है कि यहाँ पे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सुबह के 7 बज रहे हैं कि 11 बज रहे हैं. वो चीज़ के लिए मतलब वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है हमारे रूम में, बट अदर देन दैट रूम बहुत ज़्यादा कोजी और कम्फर्टेबल. यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं लिविंग एरिया. हेलो गर्ल्स, आर यू बोथ रेडी? सो यस, दिस इज़ आवर लिविंग एरिया. दिस वन हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ लाइट इन इट. If you take a look, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है. सो आई रियली लव दिस व्यू. आई मीन आई पर्सनली सैट अ लॉट इन दिस रूम. दिस रूम ऑल्सो हैज़ अ कंप्यूटर, बट ऑफकोर्स वी आर नॉट यूजिंग इट. सो वन फनी थिंग हेयर इज दैट यहाँ पे बुक शेल्फ, इट्स गॉट लाइक लॉट्स ऑफ बुक्स एंड देर लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज ऑफ बुक्स. सो आई डोंट नो वाई आर दे हेयर, बट या फॉर लाइक अ नाइस इंस्टाग्राम पिक्चर आई थिंक दिस इज अ रियली क्यूट कॉर्नर. सो बस वो पीछे पूरा लिविंग एरिया, यहाँ पे वॉशरूम है हम लोगों का और मेरा बेडरूम जो अभी दिखाया. बाकी यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, हम लोगों ने अगेन इसको भी ऑनेस्टली यूज़ नहीं किया क्योंकि लिविंग रूम में ही बैठ के खा रहे थे जब भी. कल रात को हम लोग बहुत सारे इसमें 12 डोनट्स लेके आए थे. मैं लोगों को बोल भी रही थी कि यार अमेरिकन ही ऐसा कर सकते हैं कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाने के लिए ये लोग 12 डोनट्स लेके आए. मैंने सिर्फ एक खाया और मुझे समझ आ गया कि नहीं मैं इतना मीठा नहीं खा सकती, बट हाँ इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था डोनट से, तो मैंने लोगों का बहुत मजाक उड़ाया उस चीज़ पे. और ये हमारा किचन है, अगेन समथिंग जो बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे इस माइंडसेट से आ रहा है कि कुकिंग वुकिंग करना हो तो उसके लिए एवरीथिंग इज़ देयर. लाइक यहाँ पे पूरी क्रॉकरी है और मैंने चेक किया था बर्तन रखे हुए हैं सारे, जितने आपको बेसिक कुकिंग के लिए ज़रूरत पड़ेंगे वो सारे बर्तन हैं. एक दो चीज़ें बनाने के लिए भी रखी हुई थी यहाँ पे. वीडियो वाला खुल क्यों नहीं रहा? नहीं वो तो मैंने ओके मैं गलत साइड से खोल रही हूँ. तो यहाँ पे ये वर्मिसेली वगैरह बनाने के लिए रखी है, पास्ता की सीजनिंग्स वगैरह हैं. हमने सिर्फ ओवन को यूज़ किया खाना वाना गर्म करने के लिए, ये गैस स्टोव है. बाकी वो वाला रूम डैनियल का है और ये लॉन्ड्री स्पेस है. तो लॉन्ड्री की भी यही है कि मैं इतने कपड़े लाई हूँ कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लॉन्ड्री करने की, बट स्टिल ओवरऑल वाइब अपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा प्यारा है. सो ये वाला रूम डैनियल का है और वो अकेला ही रुका हुआ है यहाँ पे, तो उसका रूम ये छोटा सा है लाइक सिंगल बेड वाला. बट यस ये मेरा एयरबीएनबी टूर था और अभी हम निकल रहे हैं फिर से आज घूमने के लिए. अभी तक व्हाइट हाउस नहीं देखा है तो वो देखना है, और एक रॉक क्रीक पार्क करके है मुझे वो भी देखना है. वो मैंने पढ़ा कि सेंट्रल पार्क जो न्यूयॉर्क में है उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो अभी हम लोग रॉक क्रीक पार्क जाएंगे. अभी देखते हैं, एक तो हमारे प्लान्स फिक्स नहीं होते हैं, हम जाते जाते देखते हैं कि क्या हो पा रहा है क्या नहीं. पर अभी प्लान ये है कि रॉक क्रीक पार्क करना है, कैपिटल को अंदर से देखना है अगर वो अलाउ करेंगे, इसीलिए कल नहीं गए थे, आज मंडे है, और फाइनली आज व्हाइट हाउस जाना है. डिड इट गेट लॉग्ड?
No. If it makes it, if it goes drong, it's not locking. Hold on. Maybe I need to pull it. तो बस बहुत मुश्किल से लॉक किया हमने, फिर फाइनली गए रॉक क्रीक पार्क ही। वहाँ पहुँचते ही वहाँ का वाइब इतना प्यारा लगा कि वॉशिंगटन डीसी के पूरे शोर शराबे से दूर बहुत पीसफुल सी जगह थी। Nice. We're taking a vlog of Arushi walking to the bridge. Yeah, I'm pretending like, you know, I'm some celebrity. So the bridge that we were looking for was a cobble bridge, but we found a different one here and it's very beautiful. So we ended up taking like lots of pictures. I got at least like a 50 or a 60 good pictures clicked here. And what I was saying before, know that it's Washington, so it's more about, you know, Congress and White House and stuff. But this place, and it's not very far from the main city, it's like 25-ish minutes from White House and stuff, and I really loved it. But yeah, now we're going to like the center again. Where the hell have you been, Loka? So हमारे पार्किंग के बिल्कुल बगल में वी रियलाइज कि यहाँ पे नासा का हेडक्वार्टर है। तो ऑब्वियसली अंदर नहीं जाएंगे, बट नासा हेडक्वार्टर्स के साथ ऑफ कोर्स पिक्चर्स लेंगे। And finally, after like a 15-minute walk parking से यहाँ तक हम लोग US Capitol पे आ गए हैं, and from the front side this time. परसों तो पीछे से आए थे, तो yes, this is amazing. काफ़ी सारे pictures obviously फिर से क्लिक करेंगे, वही करते हैं सबसे ज़्यादा, but हमको ये चेक करना है कि अंदर जाना allowed है या नहीं है, because Google पे दिखा रहा है कि है allowed, but इन लोगों को ये पता था कि last year जब वो Donald Trump के supporters ने आके यहाँ के बैरिकेड्स वगैरह ब्रेक कर दिए थे, वो न्यूज़ में हर जगह था, उसके बाद से बैन हो गया था लोगों का अंदर अलाउड होना, बट अभी शायद फिर से ओपन हो गया। बट वैसे ये जो बैरिकेड्स हैं, ये लोग बता रहे थे कि ये सब लास्ट ईयर तक नहीं थे, बट आफ्टर दैट इंसिडेंट इन लोगों ने ये सब इंस्टॉल किया, तो लेट्स सी। सो वी जस्ट डिसाइडेड कि अभी रहने देते हैं, अंदर का नहीं ट्राई करते, पर हम लोगों ने पूरा वॉक कर लिया क्योंकि anyway, अभी हमें बहुत सारी और चीज़ें करनी है, और आज मेरा फाइनल डे है डीसी में, कल फिर न्यूयॉर्क जाना है। तो सामने लाइब्रेरी है एंड सुप्रीम कोर्ट है, हमें वो सब भी देखना है, तो अब वहाँ जा रहे हैं, एंड इट्स लाइक एकदम सामने यहाँ पे। वाओ, एंड गिवन कि अभी जस्ट ऐसा कोरोना का पैंडेमिक आया, यहाँ पे एक पूरा सेक्शन है, ऑब्वियसली तो पहले से है, बट लाइक ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग लगा देखने में। इसमें सारे रीजंस हैं, अंदर काफ़ी कुछ और था जो हम लोगों ने देखा, बट यही कि लाइक स्टार्ट कैसे होते हैं एपिडेमिक्स एंड डिजीजेज, सो इट वॉज टू मच ऑफ साइंस जो मुझे पता नहीं थी। सो म्यूजियम से कार 20-25 मिनट का वॉक था, सो प्रिटी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बट मेड बैक टू द कार। फाइनली हम लोग व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। सो व्हाइट हाउस बहुत क्विक ट्रिप है, बाहर फोटो खिंचवाने के अलावा सही में वहाँ कुछ भी नहीं है। बैरिकेड्स भी बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, इजी वही बता रही थी कि वो सब लास्ट ईयर ही जितना हुआ था, उसके बाद से अभी एक परमानेंट बैरिकेड अंदर भी लगा दिया, लाइक जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कर दिया था उसके बाद, तो एक परमानेंट बैरिकेड लगा हुआ है वो जो वीडियो में मैंने दिखाया। बट बाकी यहाँ पे वही सपोर्ट यूक्रेन के लिए, सेंड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन का ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, लाइक जस्ट यूक्रेन के फ्लैग्स पकड़ के यूक्रेन के सपोर्ट के लिए, तो वो भी यहाँ पे कुछ कुछ चलता ही रहता है। बट आई थिंक अब बस हम लोग डिनर करेंगे और घर जाएंगे एयरबीएनबी। बट हाँ, बट यस, डीसी हैज़ बीन एन अमेजिंग ट्रिप सो फार। फाइनली लाइक ये होता है कि यूएस कैपिटल है, कब से देखने का मन था, लास्ट ईयर जब से आई थी, तो इन तीनों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
ये मोमेंट इतना मैजिकल था, सनसेट देखना. लिंकन मेमोरियल पे थे हम लोग और पीछे से एरोप्लेन्स दिख रहे थे टेक ऑफ करते हुए, स्काई के कलर्स इतने प्यारे सबमर्ज हो रहे थे एंड इट वॉज मैजिकल. तो हम लोग एक्चुअली घर नहीं गए, लिंकन मेमोरियल भी वॉक करने चले गए. फिर अभी सोवेनियर शॉप में आए थे तो मैंने मेरी फ्रेंड्स के लिए, राली वाले जितने फ्रेंड्स हैं उनके लिए फ्रिज मैग्नेट्स ले लिए और मेरे लिए भी एक फ्रिज मैग्नेट. मतलब मैं अभी तक जितनी कंट्रीज़ में गई हूँ यूरोप में, मतलब मैंने 11 कंट्रीज़ घूमे हैं, ये 12th है, इंडिया को मिला के 13th होगा. तो मेरे पास ऐसे 13 अलग अलग फ्रिज मैग्नेट्स हैं, तो मैं हर कंट्री का लेती हूँ और अब यहाँ US में प्रॉब्ली अब हर सिटी का लूँगी. वॉशिंगटन की जर्नी यहीं ख़त्म हो गई, नेक्स्ट डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क, और उसके ब्लॉग्स मैं जल्दी से पोस्ट करूँगी.